नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से बताई जा रही है। जी, नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस व बदमाशों के बीच शारदा गोल चक्कर से आगे पुस्ता पर हुई मुठभेड़। जी आपको बता दें, बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम सलमान निवासी मसूरी गाजियाबाद बताया है, जिस पर गौकशी चोरी कई मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल बदमाश के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बदमाश के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। युक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अध्यक्ष नॉलेज पार्क द्वारा शारदा गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। किसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोका गया तो वो आगे भागे। आगे आने के पश्चात उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिस पर एक बदमाश सलमान, जो मसूरी गाजियाबाद का रहना है, शातिर गोकस है, इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घायल हुआ है, इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इसका एक साथी सिराजुद्दीन अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसके लिए कामिन टीम तलाश कर रही है। इसने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों लोग मिलकर आवारा पशुओं को पकड़ करके जंगलों में जाके काट देते हैं। शातिर गोकस को गिरफ्तार करने में नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। आप सभी को गुड़िया गुलशन खान पार्षद व पति गुलशन खान की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।